हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार आप लोग ज़रा कंफर्म करिएगा, मैसेज कर दीजिए यस करके अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़। अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर कवर करना है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जेनेटिक्स का, जिसमें हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स और उसके अलावा कुछ नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला टर्म क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, फादर मदर से उनके ऑफस्प्रिंग में अगर पास होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक्चुअली फादर मदर से उनके ऑफस्प्रिंग में क्या पास होता है, जीन्स पास होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जीन्स हैं वो फादर मदर से उनके ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। और इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, इसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें अभी आपको थियोरी पोर्शन तो आना नहीं है, तो ये सब बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कवर करूँगी, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक और टर्म क्या है, वेरिएशन। वेरिएशंस, तो वेरिएशंस क्या होता है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। हमें पता है कि वेरिएशंस, जैसे हम लोग हैं या कोई भी ऑफस्प्रिंग हो, वो एग्जैक्टली अपने फादर मदर की तरह नहीं होता है। मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, है ना। अगर वो एग्जैक्टली अपने फादर मदर की तरह दिखता है तो उसको हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो अगर वो पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और डिफरेंट किस वजह से होते हैं, डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं, तो ये भी हमें पता है, ये आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। किसकी वजह से आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। एक बार मुझे चेक करने दीजिए, चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं प्रॉपर, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं ये भी करूँगी कि आप लोग अभी वीडियो को अच्छे से देखते जाइए, जो भी डाउट होगा क्लास के एंड में हम लोग 10 मिनट का पूरा डाउट सेशन कर लेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पे आप कमेंट करिएगा, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। ओके ओके, दिव्या, अमरीश, रियान, चलिए ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सेक्स वेरिएशन किसकी वजह से आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज़ क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आता है, वेरिएशन। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, तो मैं ये आगे डिस्कस करूँगी। तो हम आगे मूव करते हैं, जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। हम लोगों को पढ़ना है जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स। तो हमें पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक सी हैं, ये हमें पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यहाँ से देखिए दो तीन चीज़ें मैं बताऊँगी आपको, जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है कि मेंडल ने किस चीज़ पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमें ये पता है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था, पाइजम सटाइवम पे। किस पे था, पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम का जो कॉमन नेम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्डन पी, गार्डन पी, गार्डन पी।
अब एक और चीज, कभी कभी आपसे स्वीट पी पूछता है, वो हम बाद में देखेंगे। स्वीट पी का दूसरा नाम होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, तो अभी हम स्वीट पी के बारे में भी आपको बताएंगे, लिंकेज की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे था? पाइजन सटाइवम पे था। ठीक है, इनका लाइफ ड्यूरेशन पूछा जाता है, अगर मेंडल की बात करें तो मेंडल का बर्थ हुआ था 1822 से लेके 1884। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरली, लेकिन फिर भी आप लोग जानते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट कितने साल तक चला था, इन्होंने जो पाइजम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किया था वो कितने ईयर्स तक चला था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 7 ईयर्स तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, 7 ईयर्स तक। ठीक है, 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट इनका हुआ था, और इसका भी ड्यूरेशन आपसे पूछा जाता है तो 1856 से लेके 1863 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इनका एक्सपेरिमेंट 7 ईयर्स तक चला था, 1856 से लेके 1863 तक। अब एक और चीज क्या पूछी जाती है, जो नेक्स्ट चीज है वो हमें ये याद रखना है कि जो, सॉरी, अब देखिए यहां पे दूसरी चीज आपसे ये पूछा जाता है कि इनका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और सवाल यहां से पूछा जाता है कि इन्होंने अपना पेपर कब पब्लिश किया था। जो भी इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, 7 साल तक इन्होंने पाइजन सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किया, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट का नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नीट क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कि इनका जो जो वर्क था वो पब्लिश कब हुआ था, तो आफ्टर इनके जो एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ था 1863 में, उसके 2 साल बाद 1865 में ये पब्लिश हुआ था, इनका पेपर 1865 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये ईयर आपको याद रखना है, एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखना है, और कब इनका वर्क पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब एक और चीज़ मेंडल के बारे में थोड़ा सा, ये आप लोगों को पता ही होगा कि मेंडल मोह माया त्याग करके वो चर्च में मॉन्क बन गए थे। ठीक है, तो चर्च में जैसे प्रीस्ट होते हैं वैसे ही मॉन्क होते हैं, तो वहाँ पे वो खेती वगैरह करते थे, तो वहीं पे उन्होंने पाइजम सटाइवम पे अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। कुछ सवाल आपसे ये पूछे जाते हैं कि जैसे ये नीट का क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि क्यों उन्होंने गार्डन पी चूज किया, गार्डन पी ही क्यों उन्होंने चूज किया। तो इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जो गार्डन पी है, गार्डन पी में जो कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही, वी कैन से कि ये इजी कल्टिवेशन है इसका, इसका काफ़ी ज़्यादा, इसको उगाना और इसकी देख रेख करना काफ़ी इजी है। तो पहली चीज़ क्या थी कि इन्होंने गार्डन पी चूज़ क्यों किया, तो पहला चीज़ क्या है, इजी कल्टीवेशन। ठीक है, इजी कल्टीवेशन। दूसरी चीज़ ये है कि इसका गार्डन पी का जो लाइफ साइकिल है काफ़ी छोटा होता है, आपको भी पता है कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, 3-4 महीने की होती है। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट है, तो उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता था, वो जल्दी जल्दी से एक्सपेरिमेंट अपना जो है, जो भी एनालिसिस करना चाहते थे वो आसानी से कर लेते थे। तीसरी चीज़ ये है कि ये कैसा है, बाईसेक्सुअल प्लांट था। कैसा है, पाइजम सटाइवम बाईसेक्सुअल, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। अब हमें पता है कि ये बाईसेक्सुअल है, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे ये क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, और एक और चीज ये है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सीड को भी एज अ कैरेक्टर कंसीडर किया था। तो इन्होंने देखा कि जो पाइजम सटाइबम है उसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होते हैं, तो ये काफी आसान हो गया था उनके लिए ये कि किस तरीके से वो अपना एक्सपेरिमेंट जो है पाइजन सटाइवम पे जो कंडक्ट कर रहे थे, तो ये सारी प्रॉपर्टी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई थी। ठीक है,
अब आगे हम क्या देखते हैं, ये चीजें देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, इनके एक्सपेरिमेंट कब तक हुआ था, एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ये तीन चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो हम लोग थोड़ा सा जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं, देखिए जेनेटिक्स में हम लोगों को इस यूनिट में तीन ब्रांचेस पढ़ने हैं, इस यूनिट में तीन ब्रांचेस हम लोगों को पढ़ने हैं। पहली जो जेनेटिक्स होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। चीज़ों को एकदम अच्छे से समझते चलिएगा, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। जो भी डाउट आ रहे हैं आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसके बाद लास्ट में कमेंट के जरिए आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो पहली क्या है, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। दूसरा क्या होता है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, समझने की कोशिश करिएगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और थर्ड है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब देखिए जेनेटिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं उसके तीन मेन ब्रांचेस हैं, पहला मैंने क्या बताया ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तीसरा क्या है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। सेम ऐसे ही हमारे बुक में भी दिया हुआ है, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में हम लोगों को मेंडेलियन जेनेटिक्स और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, फिर अगले चैप्टर में हम लोगों को मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स मतलब जहाँ पे हम लोगों को डीएनए आरएनए, ठीक है डीएनए आरएनए और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने हैं, ये सब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आ गया। और लास्ट में तीसरे चैप्टर में हम लोगों को जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें एक पोर्शन है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जहाँ पे हमें हार्डी वेनबर्ग्स के बारे में पढ़ना है ना, हार्डी वेनबर्ग। तो हमें वन बाय वन करके ये तीनों चैप्टर कवर करने हैं। तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में देखिए दो, इसके भी दो पार्ट होते हैं, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के भी दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, क्वालिटेटिव जेनेटिक्स, क्वालिटेटिव। अब ये आपके एनसीईआरटी में कहीं है नहीं, लेकिन मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए कि यहाँ पे हमें दो चीज़ें पढ़नी है, क्वालिटेटिव जेनेटिक्स, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। ठीक है, क्वालिटेटिव जेनेटिक्स और दूसरा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स हो गया। कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब देखिए याद रखना, जो क्वालिटेटिव जेनेटिक्स है इसी को हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स, और इसी को हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। आप लोग ना पहले पढ़ाई कर लीजिए कंसंट्रेट होके, क्योंकि मैं कमेंट्स के फेवर में नहीं रहती हूँ ज़्यादा, आप लोग कमेंट्स करते रहते हो तो आप लोग जो है ना पहले अच्छे से स्टडी कर लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेट होके, जो भी चीज़ें आपको डाउट होंगी वो बाद में आप कमेंट से पूछ लीजिएगा। बिल्कुल, अब आप पूरा पढ़ते रहते हो और उसके बाद कमेंट करते रहते हो तो फिर कंसंट्रेशन आपका बिगड़ जाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ाई करिए, एक बार जेनेटिक्स पढ़ लोगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आई कैन एश्योर यू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि जो क्वालिटेटिव जेनेटिक्स है इसी को क्या कहते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं, और जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है इसी का एक एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब आपको मैं एक अच्छी बात बता दूं कि आपसे पूछा जाता है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, ये मैं आपको बाद में जब मैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी तो मैं आपको वहां पे बताऊंगी। तो याद रखना ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है। क्यों क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, जब हम लोग स्किन कलर का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं ये चीजें क्लियर करूंगी। तो इस तरीके से तीन ब्रांच हमने बताया आपको जेनेटिक्स का, पहला क्या है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर, और तीसरा क्या है पॉपुलेशन। तो ये चीजें सिक्वेंस में हमारे एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं कि हमें पहले मेंडेलियन जेनेटिक्स और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसमें हम लोग हार्डी वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, इक्वेशन है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। तो अब चलिए देखिए, अब मैं मेंडल के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेती हूँ। देखिए मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल,
मेंडल के अकॉर्डिंग एक बहुत आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि मेंडल जीन, जैसे आज हम लोग जीन कहते हैं जिसको, मेंडल उसको फैक्टर कहा करते थे। मेंडल उसको कहते थे फैक्टर, मेंडल को जीन के बारे में नहीं पता था। मेंडल कहते थे कि कोई कुछ फैक्टर हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, तो वो फैक्टर टर्म यूज करते थे इंस्टीड ऑफ जीन। ओके, जीन का कॉन्सेप्ट आया था 1909 में, 1909 में जॉनसन ने दिया था, ठीक है, जॉनसन ने जीन का कॉन्सेप्ट दिया था 1909 में। और फैक्टर टर्म किसके द्वारा यूज होता था, मेंडल के द्वारा यूज होता था, फैक्टर टर्म मेंडल यूज किया करते थे, ठीक है। अब मेंडल एक चीज, एक और चीज मैं बता दूं कि जिसको आज हम लोग कैरेक्टर कहते हैं, जिसको आज हम लोग कैरेक्टर कहते हैं, मेंडल उसको ट्रेट्स कहते थे। मेंडल उसको क्या कहते थे, ट्रेट्स कहते थे। ओके, मेंडल का कहना था कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी ट्रेट को कोड करते हैं। तो मेंडल कैरेक्टर और जीन टर्म नहीं यूज करते थे, वो फैक्टर और ट्रेट्स टर्म यूज करते थे। लेकिन आज, आज थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, कैरेक्टर और ट्रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं वो डिफरेंस भी आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि कैरेक्टर और ट्रेट्स में डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कैरेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है, हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है, हाइट इज अ कैरेक्टर। लेकिन अब हाइट के कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी हो सकते हैं। हाइट के अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, हाइट टॉल हो सकती है, हाइट ड्वार्फ हो सकती है, ठीक है। तो जो ये टॉल एंड ड्वार्फ है, ये क्या है, ट्रेट है, ये है ट्रेट। मतलब किसी कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम लोग ट्रेट्स कहते हैं। तो हमें ये पता चल चुका है कि कैरेक्टर और ट्रेट में अंतर क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे चीजें थोड़ी सी आपको कंसंट्रेट होके समझना है। अकॉर्डिंग टू मेंडल, देखिए मेंडल के अकॉर्डिंग चीजें देखिए यहाँ पे है क्या कि मैं अचानक से आपको अगर एनसीईआरटी रीड करवा दूं, या जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो थोड़ी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं, कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में पता होने चाहिए। और उसके बाद मैं तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में, जब आप इस लेक्चर में कंफर्टेबल हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से जो टर्मिनोलॉजी है सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो मैं अगले लेक्चर में इसको आराम से खत्म कर दूँगी। ओके, तो अभी आप बिल्कुल बोर नहीं हुई है, आराम से कंसंट्रेट होकर देखिए। तो देखिए मेंडल ने क्या कहा था कि एक जीन, वन जीन केवल एक कैरेक्टर को कोड करता है। अब मैं लिख तो रही हूँ यहाँ पे जीन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जीन क्या है, फैक्टर। अकॉर्डिंग टू मेंडल जीन क्या है, फैक्टर है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो लेकिन अब यहाँ पे हम लोग नाउ डेज जीन यूज करते हैं, कैरेक्टर यूज करते हैं। तो मेंडल ने क्या कहा था कि वन फैक्टर वन ट्रेट को कोड करता है, लेकिन अभी हम इसको जीन और कैरेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। मेंडल ने कहा था एक जीन केवल एक कैरेक्टर को कोड करता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, इसके कुछ क्या है, एक्सेप्शन हैं। इसके एक्सेप्शन क्या हैं वो हम लोग जरा देख लेते हैं। इसके दो एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगी जो कि नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस में आ जाएगा, क्योंकि मेंडल ने जो कहा था उसके अलावा ये चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे अलग है, तो ये नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि ये जो है वन जीन वन कैरेक्टर, ये तो आपको क्लियर है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर को भी कोड करता है, मोर देन वन कैरेक्टर, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को भी कोड करते हैं। तो ये नॉन मेंडेलियन में आ गया ना। और इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग कहते हैं प्लायोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपी। अब बहुत अच्छे से समझना, ये टर्मिनोलॉजी मैं अभी यूज करूंगी, कुछ देर बाद आपसे मैं पूछूंगी भी, आप इस चीज को बताना। मैंने क्या बताया कि एक जीन कभी जब एक से ज्यादा कैरेक्टर को कोड करने लग जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लायोट्रॉपी कहते हैं। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि समटाइम वन कैरेक्टर, ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है, या फिर एक कैरेक्टर एक जीन के द्वारा कोड होता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि वन कैरेक्टर इज कोडेड बाई मोर देन वन जीन, मोर देन वन जीन,
एक कैरेक्टर अगर एक से ज्यादा जीन से कोट होता है, मतलब कई सारे जीन्स मिलके एक ही कैरेक्टर को कोट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, मोर देन वन जीन का मतलब हो गया पॉली जीन। क्या हो गया? पॉली जीन। और इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर? हमने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू मेंडल एक जीन केवल एक ही कैरेक्टर को कोट करता है, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि समटाइम्स एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को भी कोट कर सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि ढेर सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कोट करते हैं, तो इसको हम प्लायोट्रॉपी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है क्या वो मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है? नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं, वो क्या है? नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि मेंडल ने कहा था एक जीन केवल एक ही कैरेक्टर को कोड करता है, या फिर एक कैरेक्टर केवल एक ही जीन के द्वारा कोड होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन के द्वारा कोड होता है, तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है स्किन कलर। अब देखिए स्किन कलर, अब मैं आपको बता दूं कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अच्छा, एक चीज आप जरा समझना कि इसको हम क्वांटिटेटिव क्यों कहते हैं, क्वांटिटेटिव इसको हम क्यों कहते हैं। देखिए, मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट तो पाइजम सटाइवम पे किया था, और वहां पे उन्होंने हाइट देखा था, ठीक है, और जो पी की हाइट थी तो उन्होंने क्या देखा था कि पी प्लांट की केवल दो हाइट हो सकती है, या तो एक टॉल होगा और दूसरा क्या होगा? ड्वार्फ होगा। कोई इंटरमीडिएट इनको देखने को नहीं मिला था, तो दो ही प्योर कैरेक्टर उनको देखने को मिला, चाहे जितने क्रॉस उन्होंने कराया लेकिन दो ही टाइप के प्लांट उनको मिले, या तो टॉल या तो ड्वार्फ, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। मेंडल में क्या था? मेंडल के अकॉर्डिंग वेरिएशन देखने, कैरेक्टर्स में वेरिएशन देखने को नहीं मिला, ठीक है। हाइट, जैसे अगर पी प्लांट का हाइट ले लिया जाए तो हाइट में एक टॉल था एक ड्वार्फ था, लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है? कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई स्किन कलर, यहाँ पे देख लीजिए स्किन कलर ले लिया जाए, तो स्किन कलर में क्या होता है, आप ह्यूमन पॉपुलेशन ही देख लीजिए, तो वहां पे क्या होता है, स्किन कलर में कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा गोरा है, कोई बहुत ज्यादा डार्क है, ऐसा नहीं होता है, उसके बीच में भी ढेर सारे कलर हमें देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसका और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो ह्यूमन हाइट, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, हाइट भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट में भी हमें कंटिन्यूअस, ह्यूमन हाइट की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है ना। और भी देख सकते हैं हम लोग, और भी ढेर सारे, आईक्यू, आईक्यू की अगर हम बात करें, इंटेलिजेंट कोटेंट, तो आईक्यू में भी हमें कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और कोई बहुत ज्यादा डल है, ऐसा नहीं होता है, वहां पे भी हमें कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जहां पे भी हमें कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है वो आता है हमारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। लेकिन मेंडल का जो इनहेरिटेंस, मेंडल ने जो इनहेरिटेंस बताया था अपना, वो क्या था? वो था टोटली क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। वो हम थोड़ा सा आगे भी इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेंडल ने क्या बताया? मैंने कहा वन जीन वन कैरेक्टर, इसके दो एक्सेप्शन बता दिए मैंने। एक और चीज मेंडल ने बताया था कि एक जीन या जो एक फैक्टर है उसके केवल दो ही अलील्स हो सकते हैं। अब मैं अलील्स के बारे में आपको बताऊंगी अभी। उन्होंने क्या कहा था कि एक जीन के केवल दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने हाइट लिया, हाइट लिया तो हाइट में उन्होंने बताया कि एक अल्टरनेटिव फॉर्म कैपिटल टी है और दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल टी। तो उन्होंने क्या बताया कि हाइट के जीन के केवल दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म है, और इन्हीं अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। मैं एलील्स के बारे में आगे भी बताऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल एक जीन, मैं जीन याद रखना, जीन यूज कर रही हूँ, लेकिन जीन टर्म 1909 में आया था, जॉनसन के द्वारा यूज किया गया था, मेंडल इसको फैक्टर कहा करते थे। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, ये चीज समझना आप लोग कि एक जीन के दो अलील्स हैं, तो इसके भी एक्सेप्शन एक होते, इसके एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है
मल्टीपल एलील्स, क्या है मल्टीपल एलील्स, अब मैं ये आपको आगे बताऊंगी। मल्टीपल एलील्स का मतलब होता है एक जीन के मेनी अलील्स हो सकते हैं, मेनी अलील्स हो सकते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप, तो एबीओ ब्लड ग्रुप इसका एग्जांपल होता है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो दो चीज तो हमें यहां से पता चल चुकी है, जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। यहां तक अगर चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो एक बार आप लोग देख लीजिए इसको ये चीजें, और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मेंडल ने अपने जो कैरेक्टर चूज किए थे वो कौन कौन से थे, पाइजम सैटाइवम में जो उन्होंने कैरेक्टर चूज किया था वो कौन कौन सा था। तो चलिए देखिए, मेंडल ने क्या लिया था, पाइजम सैटाइवम, और उस पर एक्सपेरिमेंट 7 ईयर्स तक किया था। एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन आपको याद होना चाहिए, 1856 से लेके 1863 तक, और उनका वर्क कब पब्लिश हुआ था, 1865 में। अब देखिए इन्होंने कितने कैरेक्टर चूज किए थे, तो इन्होंने 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर्स, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए थे, तो अगर एक बार बताओ आप मुझे कि 7 पेयर्स हैं तो कितने जीन्स के द्वारा कोड होंगे, 7 जीन्स के द्वारा कोड होंगे, ठीक है। अब ये सवाल कभी कभी पूछा जाता था पहले कि मेंडल ने जो कैरेक्टर चूज किया था 7 पेयर, उनके जीन किस किस क्रोमोजोम पे होते हैं, उनके जीन्स किस किस क्रोमोजोम पे होते हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि पाइजम सटाइवम में क्या होता है, जो पी प्लांट में 7 पेयर ऑफ जीन होते हैं, कितने होते हैं, 7 पेयर जीन्स, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, 14 जीन्स होते हैं, कितने जीन्स होते हैं, 14 जीन्स। अब जो 7 पेयर कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर इन्होंने लिया था, उनके जीन्स किस किस क्रोमोजोम पे होते हैं, तो ये होता है 1, 4, 5 और 7, ये बस याद रखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस आप जानकारी के लिए आप इतना जानते रहिएगा कि इन्होंने जो 7 पेयर कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे उनके जीन किस किस क्रोमोजोम पे होते हैं, तो वो होता है 1, 4, 5 और 7 पे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो 7 पेयर कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर हैं वो क्या क्या है। तो हम देखेंगे 7 पेयर कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर क्या है। तो देखिए कैरेक्टर्स आपको पढ़ने के लिए आप ऐसे एक तरफ आप लिख लेंगे कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स, दूसरा आप यहां पे लिख लेंगे कौन डोमिनेंट है और कौन रेसेसिव है। तो कैसे आपको ये याद रखना है, तो देखिए इन्होंने प्लांट क्या लिया था, पी, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्लांट की हाइट, तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, हाइट, आपके एनसीईआरटी में स्टेम हाइट करके दिया होगा या फिर प्लांट हाइट आप कह सकते हैं, तो पहला कैरेक्टर क्या है, हम हाइट ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट के ऊपर क्या लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, तो चलिए हम फ्लावर्स, दूसरा कैरेक्टर क्या है हमारा, फ्लावर्स है, फ्लावर के दो, आपसे पूछा जाता है कि फ्लावर का कितना कैरेक्टर इन्होंने लिया था, तो फ्लावर का दो कैरेक्टर लिया था, एक तो फ्लावर की पोजीशन और दूसरा फ्लावर का कलर। तो हम क्या देख लेते हैं यहाँ पे, फ्लावर पोजीशन, ठीक है, और दूसरा क्या है, फ्लावर कलर, ठीक है। अब तीसरा कैरेक्टर आप ऐसे समझ लीजिएगा, फ्लावर से क्या बनता है, पी में फ्लावर से पॉड बनते हैं, फली लगती है, तो पॉड का कितना कैरेक्टर इन्होंने लिया था, पॉड का दो कैरेक्टर लिया था इन्होंने, पॉड कलर, पॉड शेप, ओके। तो कितने कैरेक्टर यहां पे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद आखिरी कैरेक्टर इन्होंने लिया फ्रूट का या सीड का, ठीक है, सीड का, सीड के भी दो कैरेक्टर इन्होंने लिए थे, पहला क्या था, सीड शेप, और दूसरा था सीड कलर। तो आप देखिए इसी चीज से कम यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल ने जो कैरेक्टर्स चूज किए थे उसमें कलर के कितने कैरेक्टर थे, कलर के कितने कैरेक्टर थे, तो कलर के कितने कैरेक्टर, यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, एक फ्लावर कलर है, एक पॉड कलर है, और एक क्या है, सीड कलर है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है नेक्स्ट कि जो फ्लावर से रिलेटेड कितने कैरेक्टर थे, पॉड से रिलेटेड कितने कैरेक्टर थे, सीड से रिलेटेड, हाइट का तो एक ही।
अब हम यहाँ पे ये देखेंगे नेक्स्ट हाइट डोमिनेंट, इन्होंने बताया था कि जो डोमिनेंट हाइट है वो कैसी होती है, टॉल होती है, वो कैसी होती है, टॉल। और जो ड्वार्फ है वो कैसा होता है, रेसेसिव होता है। ड्वार्फ कैसा होता है, रेसेसिव होता है। फिर हम फ्लावर की पोजीशन के बारे में बात करेंगे, तो फ्लावर की पोजीशन जो डोमिनेंट है वो कैसी होती है, एक्सियल। एक्सियल, एक्सियल का मतलब जैसे मान लीजिए ये प्लांट है और प्लांट के एक्सिस पे फ्लावर निकले यहां पे, ठीक है, इस तरीके से एक्सियल। क्योंकि अगर फ्लावर टर्मिनल हो जाएगा तो आपको पता है कि जब हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोगों को दो तरीके के रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने को मिलता है। तो वहां पे हम देखते हैं कि अगर जो फ्लावर टर्मिनल हो जाता है तो उसकी फिर ग्रोथ नहीं होती है ना। तो इन्होंने कहा जो एक्सियल फ्लावर है, पोजिशन है, वो कैसा है, डोमिनेंट है, और जो टर्मिनल है वो रेसिसिव। टर्मिनल का मतलब एकदम जैसे ये प्लांट है और लास्ट में एक फ्लावर लग जाए, ओके। तो टर्मिनल कैसा है, रेसिसिव है। फिर फ्लावर कलर कैसा होना चाहिए, तो फ्लावर कलर कैसा है, डोमिनेंट वायलेट, ओके वायलेट। और रेसिसिव कैरेक्टर इसका कैसा था, वाइट, ओके रेसिसिव कैरेक्टर इसका कैसा है, वाइट। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉड कलर, आपको पता है फली का कलर कैसा डोमिनेंट होगा, ग्रीन, ग्रीन। और इसका रेसिसिव कैरेक्टर कैसा है, येलो, ओके। फिर हम पॉड का शेप देख लेते हैं, शेप कैसा होना चाहिए, अगर पॉड फूला हुआ है, इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड, तो वो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और अगर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो वो रेसेसिव कैरेक्टर है। फिर हम सीड का शेप देख लेते हैं, राउंड इसका डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल्ड इसका रेसेसिव ट्रेट है, रिंकल्ड इसका रेसेसिव ट्रेट है। और फिर सीड का कलर हम लोग देख लेते हैं, सीड का कलर येलो, येलो इसका डोमिनेंट ट्रेट है और ग्रीन इसका, ग्रीन इसका रेसेसिव ट्रेट है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ओके। अब देखिए यहां पे क्या है नेक्स्ट, अब इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, ये जो ये 7 pair कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने चूज किया था और कौन डोमिनेंट होता है, कौन रेसेसिव होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ओके। अब आप याद रखना, किसी किसी बुक में आपको एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, एक और कैरेक्टर, लगभग लगभग 8 कैरेक्टर की बात होती है, लेकिन यहाँ पे 7 कैरेक्टर दिया हुआ है। किसी किसी बुक में आपको एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, वो होता है सीड कोट कलर, सीड कोट कलर, ध्यान से समझना इस चीज को, सीड कोट कलर। आप कई बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे ये दिया रहता है, सीड कोट कलर। आपको पता है सीड कोट कलर जो होता है वो यहीं पे आता है, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, वो आता है फ्लावर कलर के साथ, सॉरी फ्लावर कलर के साथ आता है सीड कोट। सीड कोट का मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे मटर का जो छिलका होता है उसी को हम लोग कहते हैं सीड कोट। वो मैंने क्यों कहा कि वो फ्लावर कलर के साथ आता है, अब मैं इसको ध्यान से समझना, एक चीज इसको बहुत अच्छे से समझना कि जो फ्लावर कलर का जीन है, फ्लावर कलर का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है, वो कहाँ होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने कहा था कि जो सारे जीन्स कितने क्रोमोसोम पे होते हैं, 1, 4, 5 और 7 पे होते हैं, किसी पे 1 होता है, किसी पे 3 होता है, किसी पे 2 होता है, किसी पे इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप जरा इसको ध्यान से समझना कि जो फ्लावर कलर का जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है, और दिस इज द क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम है या वही जीन जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन फ्लावर कलर को कोट करता है, सेम वही जीन सीड कोट कलर को भी कोट करता है। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, जो जीन फ्लावर कलर को कोट करता है सेम वही जीन सीड कोट कलर को भी कोट करता है। क्या आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है जो मैं बता रही हूँ, 1 gene more than 1 character। यहां से एक चीज हमें समझ में आ गई कि एक जीन जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर को कोट करने लगा है, आपको याद आना चाहिए, मैंने अभी अभी बताया था प्लियोट्रॉपी के बारे में, तो यहां पे भी प्लियोट्रॉपी हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इसीलिए याद रखना कि सीड कोट कलर को अलग से नहीं लिखा जाता है, ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने लिया था, लेकिन किसी किसी बुक में वहां पे साइड में फ्लावर कलर के साइड में सीड कोट कलर भी डाल लिया जाता है,
तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो फ्लावर कलर का जीन है क्रोमोजोम नंबर 1 पे होता है, सेम वही जीन सीड कोट को भी कोट कर सीड कोट कलर को भी कोट करता है, और वो क्रोमोजोम नंबर 1 का जो जीन है वो एक प्लियोट्रॉपिक जीन है। वो क्या है? प्लियोट्रॉपिक जीन है। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार बता दीजिए। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं, आगे हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, उसके बाद मूव करेंगे। ठीक है, तो ये 7 पेयर कॉन्टेक्ट प्लियोट्रॉपी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके माइंड में होना चाहिए कि प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अगर कोट करने लग गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, आइए चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम लोग टर्मिनोलॉजी कुछ देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीन से। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों को पता रहेगा तो जेनेटिक्स काफी आसान हो जाएगी। और वैसे मैं सच बता दूं तो जेनेटिक्स बहुत इजी है सारे, मतलब यहाँ तो आप लोगों को इससे ज्यादा क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आते हैं, लेकिन ये इसके न्यूमेरिकल इतने आसान होते हैं प्रोबेबिलिटी के और सारी चीज़ें। अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको जितना पढ़ना है उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ लीजिए, बाद में कभी मौका मिला तो अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे तो मैं पढ़ा दूँगी। तो अभी जितना एनसीईआरटी में गिवन है, जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उतना कवर करा दें। देखिए जीन, जीन में ये हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। जीन टर्म हमने क्या कहा था? जीन टर्म किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। ठीक है, जॉनसन ने दिया था, डबल एस रहेगा। कब दिया था? 1909। हम बार बार मेंडलियन जेनेटिक्स में भी जीन 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 यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि मेंडल जीन नहीं कहते थे, उसको फैक्टर कहा करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1909 में, अब आपके नीट में ही दो तीन क्वेश्चन बन चुके हैं जीन से। वो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। पहली चीज तो जीन है क्या? जीन क्या होता है? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब इसको हम कैसे समझेंगे, या हम इसको कह सकते हैं इस फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का ही पार्ट होता है जीन। ऐसा नहीं कि जीन कुछ अलग से है, जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ये डीएनए पे यहाँ जीन है, यहाँ जीन है। जीन अलग से कोई चीज आके उस पर रखी हुई नहीं है, जीन कोई अलग से चीज वहां पे जाके नहीं रखी हुई है। जीन क्या है? डीएनए का ही एक छोटा सा पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, जो कि किसी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, और वही इन्फॉर्मेशन वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। तो जीन क्या होते हैं? पार्ट ऑफ डीएनए, या वी कैन से फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ओके, क्लियर हुआ? अब यहां से देखिए नीट में कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं जीन के कुछ पार्ट, जैसे एक टर्म है म्यूटॉन, ओके, दूसरा टर्म है रेकॉन, और तीसरा टर्म है सिस्ट्रॉन। अब यहां से मैं बता दूं आपको कि आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो यहां से दो साल में दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट में, और एक बार AIPFT में भी ये सवाल पूछा गया। आपसे पूछता है व्हाट इज म्यूटॉन, म्यूटॉन क्या है, रेकॉन क्या है, और सिस्ट्रॉन क्या है। तो बस एक मिनट का टाइम लगना है, मैं आप क्लियर कर दे रही हूं ताकि कभी सवाल आ जाए बाहर से तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो देखिए म्यूटॉन क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझना। म्यूटॉन होता है यूनिट ऑफ म्यूटेशन। कैसे समझेंगे इसको? हमें पता है म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन जीन। अचानक से, हिंदी में इसको उत्परिवर्तन कहते हैं, अचानक से अगर जीन में चेंज आ गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, है ना। तो यूनिट ऑफ म्यूटेशन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए का वो पार्ट जहां पे म्यूटेशन हुआ है, जहां पे कुछ चेंज हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं म्यूटॉन, मतलब यूनिट ऑफ म्यूटेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब चलिए देखिए दूसरा है रेकॉन। रेकॉन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन टर्म आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा हुआ है तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया भी है, मेरे लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है।
क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन फादर एंड मदर, उसके सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ फादर एंड मदर, तो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर थोड़ा सा 10 सेकंड में मैं आपको बताती हूँ क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। हमें पता है कि जैसे ये फादर का क्रोमोजोम है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फादर का क्रोमोजोम बना दिया, और ये क्या है मदर का क्रोमोजोम है, तो मैंने यहाँ पे मदर का क्रोमोजोम बना दिया, ठीक है। हमारे पास किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। कितने सेट ऑफ? 2 सेट ऑफ। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, तो हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम, क्योंकि जैसे मेरे पास कितने क्रोमोजोम हैं? 46 क्रोमोजोम है। तो हमें पता है हर एक क्रोमोजोम की 2 कॉपी होती है। कितनी होती है? 2 कॉपी होती है। जैसे मान लीजिए मैं क्रोमोजोम नंबर 1 की बात करूं, अगर मैं क्रोमोजोम नंबर 1 की बात करूं तो मेरे पास क्रोमोजोम नंबर 1 कितना है? 2 है। इसी तरीके से क्रोमोजोम नंबर 2 भी मेरे पास 2 है, आपके पास भी है, ठीक है। आप हैप्लॉयड तो नहीं हो, आप भी क्या हो? डिप्लॉयड हो। तो हमारे पास हर एक क्रोमोजोम की 2 कॉपी है, ठीक है। अब एक चीज़, वो सेक्स क्रोमोजोम वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। सेक्स क्रोमोजोम में फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है, जो 23 पेयर वाला क्रोमोजोम होता है। तो अब एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 2 पेयर ऑफ क्रोमोजोम हमारे पास है, तो ये एक मेरे पास फादर से आई है और एक मदर से आई है। मतलब हर एक क्रोमोजोम की एक एक कॉपी मेरे फादर से आई है वाया स्पर्म, क्योंकि स्पर्म हैप्लॉयड होता है, और एक कॉपी मदर से आई है वाया ओवम, है ना। तो मेरे पास हर क्रोमोजोम की 2 कॉपी क्यों हुई? क्योंकि मैं एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हूँ, फर्टिलाइजेशन से मैं प्रोड्यूस हुई हूँ। तो मतलब क्या है कि फादर और मदर का जो स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ है, तो उसकी वजह से जायगोट बना है। फादर में 23 क्रोमोजोम, मदर में मतलब स्पर्म में 23 क्रोमोजोम, मदर के ओवम में 23 क्रोमोजोम, इस तरीके से 46 क्रोमोजोम मेरे पास आए हैं। तो मेरे हर एक सेल में एक्सेप्ट गैमेट 46 क्रोमोजोम है, और हर एक क्रोमोजोम की 2 कॉपी है, ये चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कॉपी, जैसे क्रोमोजोम नंबर 1 की 2 कॉपी आपस में कहलाती है होमोलॉगस क्रोमोजोम। क्या कहलाती है? होमोलॉगस क्रोमोजोम। तो होमोलॉगस क्रोमोजोम क्या है? पेयर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब क्रोमोजोम 1 की 2 कॉपी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस क्रोमोजोम। क्रोमोजोम नंबर 1 की 2 कॉपी है, सो ऑन। तो हमारे पास जो पेयर ऑफ क्रोमोजोम है वो क्या है? उसको हम लोग कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम, ठीक है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग जब मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है, तो हमें पता है एस फेज में रेप्लिकेशन हो जाता है। तो एस फेज के बाद यही क्रोमोजोम हमें ऐसे दिखने लग जाता है, ऐसे ऐसे दिखने लग जाता है। मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 1 है, तो 1 अभी ऐसा था, अब ये ऐसा दिखने लग जाएगा आफ्टर एस फेज, क्योंकि वहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये फादर की क्रोमोजोम का क्रोमोजोम है, ये मदर का क्रोमोजोम है मेरे पास, ओके। ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? होमोलॉगस क्रोमोजोम कहलाते हैं, ठीक है। और इस होमोलॉगस क्रोमोजोम का, इस एक क्रोमोजोम के ये 2 क्रोमेटिड हैं, 1 2, मतलब ये देखिए एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, 2 क्रोमेटिड है। इस क्रोमोजोम के भी 2 क्रोमेटिड हैं, है ना। तो मैं ये सब सेल बायोलॉजी में मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस मैं थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर दूँ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकी दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाती है? सिस्टर क्रोमेटिड। इनकी दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाती है? सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन इनकी और इनकी क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलॉगस क्रोमोजोम के बारे में आपको पता चल चुका है। तो मैंने क्या कहा? पेयर ऑफ क्रोमोजोम, पेयर ऑफ क्रोमोजोम को होमोलॉगस क्रोमोजोम कहते हैं। उसके बाद एक क्रोमोजोम की दोनों, ये जो दोनों पार्ट है इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, इसको भी हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, और इन इन दोनों की आपस में जो क्रोमेटिड होगी उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। तो मैं इतना सब कुछ क्यों बता रही हूँ? क्योंकि क्या होता है कि जब मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, तो फादर की क्रोमेटिड, मान लीजिए फादर की ये क्रोमेटिड है और ये मदर की क्रोमेटिड, इनका आपस में क्रॉसिंग ओवर होता है, इनका आपस में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इन्हीं पे जीन का एक्सचेंज, जहां पे क्रॉस ओवर बनता है वहीं पे जीन का एक्सचेंज हो जाता है।
तो जो अलग से, फिर जो अलग से कॉम्बिनेशन बनता है उसमें नए जीन बनते हैं, इसीलिए तो वेरिएशन आता है, इसीलिए क्या आता है, वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन किसकी वजह से आता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन किसकी वजह से आता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है। तो अब हमने क्या बताया कि देखो यहां पे क्या है, डीएनए है ना, डीएनए है, डीएनए है। तो अब एक बात बताना आप मुझे जरा कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ फादर एंड मदर। आप सिस्टर क्रोमैटिड नहीं कहेंगे क्योंकि फादर की दोनों क्रोमैटिड सिस्टर है, मदर मदर की दोनों क्रोमैटिड सिस्टर है, लेकिन दोनों की आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि दोनों का जो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहाँ होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब आपस में मिलते हैं तो वहां पे डीएनए आपस में मिलता है, और डीएनए पे क्या होता है, जीन होता है। जीन क्या है, जीन का एक्सचेंज होता है। तो उसी रीजन को हम लोग रेकॉन कहते हैं, उसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रेकॉन कहते हैं। तो इसको हमने क्या कहा, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मतलब जहां पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या रिकॉम्बिनेशन की जो यूनिट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेकॉन कहते हैं। हालांकि रेकॉन इतना लंबा मैंने रेकॉन के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करी हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस क्रोमोजोम या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये सब चीजें क्या है। ओके, इज इट क्लियर। अब तीसरी चीज है सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन को कहते हैं यूनिट ऑफ फंक्शन, यूनिट ऑफ फंक्शन। अब देखिए यूनिट ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये भी बड़ा लंबा सा है, बस मैं आपको ये, मैं डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी ना तो वहां पर मैं इसको क्लियर कर दूँ। तो ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है, नीट में ये सवाल पूछा जा चुका है सिस्ट्रॉन। ये रेकॉन भी पूछा जा चुका है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो ये सब जीन के ही तो पार्ट है ना, जीन का वो पार्ट, मेरी बात ध्यान सुना, जीन का वो पार्ट जहाँ पे म्यूटेशन होता है उसको हम यूनिट ऑफ म्यूटेशन कहते हैं, जीन का वो पार्ट जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है उसको हम यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्रॉसिंग ओवर, और ये क्या है, यूनिट ऑफ फंक्शन। अब एक सवाल आपको यहाँ से ये भी पूछता है, एक सवाल आपसे यहाँ पे एक सवाल बनता है कि इन तीनों में सबसे बड़ा सेगमेंट कौन है, इन तीनों में सबसे बड़ा सेगमेंट कौन है, ये भी पूछा जा चुका है आपके ही एग्जाम में। तो देखिए इन तीनों में आपको अल्फाबेटिकली याद रख लेना है, ठीक है। अल्फाबेटिकली कैसे याद रखेंगे, सी पहले आता है, फिर क्या आता है, एम आता है, फिर क्या आता है, आर आता है। तो सबसे बड़ा सिस्ट्रॉन है, फिर म्यूटॉन है, और फिर क्या है, रेकॉन है। ये तीन चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हाँ, रिकॉर्ड लेक्चर भी होगा, आई थिंक ये चीजें रिकॉर्डेड तो रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं। अब जीन के बारे में हमने देख लिया कि जीन क्या है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए कि मैंने जीन के बारे में बताया कि फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और फिर ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है, म्यूटॉन क्या है, रेकॉन क्या है, सिस्ट्रॉन क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। जीन के बाद आ जाते हैं एलील्स, जरा ध्यान से देखिएगा, एलील्स या कहीं कहीं आपको इसको एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं, एलिलोमॉर्फ। ओके, चलिए देखिए एलील्स क्या है, अब इसको जरा समझना, एकदम अच्छे से समझना प्लीज, बी कंसंट्रेट, और कोई दिक्कत आती है तो बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए एलील्स क्या है, अभी अभी मैंने क्या बताया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम, फटाफट होमोलोगस क्रोमोसोम बनाएंगे आप। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब किसी भी क्रोमोसोम की दो कॉपी है, किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक दो कॉपी बना दिया, एक फादर से आया है, एक मदर से आया है, मान लीजिए मेरा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है। एकदम ध्यान से समझना, एकदम अटेंटिव होकर समझना कि एलील्स क्या होते हैं। फादर के एक क्रोमोसोम और मदर का एक क्रोमोसोम है हमारे पास, और ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम पे ना जीन्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे समझना एलील्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। अब इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हाइट है, अगर
अगर मैं मेंडल की ही बात करूं तो मेंडल ने हाइट के लिए दो दो जीन बताया था, एक था कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी। तो यही दोनों फॉर्म एलील्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं, मतलब किसी भी जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उसको हम एलील्स कहते हैं। और एलील्स होते कहाँ पे हैं? एलील्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के होमोलोगस साइट पे, होमोलोगस क्रोमोसोम के होमोलोगस लोकस पे। लोकस का मतलब होता है साइट, ध्यान से समझना, लोकस का मतलब होता है साइट। जैसे सपोज करो कि मेरा ये क्रोमोसोम नंबर वन है, ठीक है, मेरा क्रोमोसोम नंबर वन है और मेरी हाइट का जी, मेरे एक्चुअली हमारे हाइट की अगर हम बात करने लग जाएंगे तो वो तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो जाएगा। मान लीजिए कि ये मेंडल, ये पाइजम सटाइबम का क्रोमोसोम नंबर वन है और क्रोमोसोम नंबर वन पे मान लीजिए हाइट का जीन है, सपोज करिए। तो हाइट का अगर एक एक अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पे दो फॉर्म हो सकते हैं, एक कैपिटल टी हो सकती है, तीन फॉर्म हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तीन अल्टरनेटिव फॉर्म्स बन सकते हैं, इसके तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पे, है ना, तीन कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब देखिए हाइट का जीन अगर क्रोमोसोम नंबर वन पे है तो फादर के जिस जगह होमोलोगस क्रोमोसोम पे या फादर के क्रोमोसोम पे मान लीजिए कैपिटल टी है तो मदर के सेम लोकस पे, मतलब मदर वाले क्रोमोसोम के सेम लोकस पे कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, कुछ भी, यहाँ भी कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो अलील्स होते हैं वो होते कहाँ हैं? वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं और उसकी एक कॉपी फादर के क्रोमोसोम के जिस जगह पे होगी उसकी दूसरी कॉपी मदर के क्रोमोसोम के उसी जगह पे होगी, है ना। तो ये होते हैं अलील्स। अलील्स का मतलब है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, ओके, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। कहाँ लोकेटेड होते हैं ये? लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी आपको होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में पता चल चुका होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं, ठीक है। ऑन होमोलोगस लोकस, होमोलोगस साइट या फिर लोकस, मतलब जिस जगह पे फादर के क्रोमोसोम पे वो जीन होगा उसका अल्टरनेटिव फॉर्म मदर के क्रोमोसोम के सेम उसी जगह पे होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? मैम पीडीएफ मिलेगा क्या इसका? पीडीएफ देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं तो क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एलील्स हो गए। अब चलिए कुछ चीजें ये हैं। एक टर्म होता है फिनोटाइप, एक टर्म होता है जीनोटाइप। नाम तो आप लोग सुने होंगे, फिनोटाइप जीनोटाइप, इसके बारे में भी बता दूं। फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल अपीयरेंस। और जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप। अब चलिए जरा समझिए इसको। फिनोटाइप का मतलब, जैसे बाहर से देख के आपको आपने बता दिया कि ये पी का प्लांट लंबा है, मतलब इसकी हाइट टॉल है, बाहर से आपने देखा तो आपने बता दिया कि इसकी हाइट टॉल है, मतलब इसका फिनोटाइप आपने बताया, हाइट बताया आपने टॉल है, लेकिन आपको नहीं पता है, क्योंकि हमें पता है कि टॉल के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है और ये भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये कैपिटल टी रहेगा तो भी टॉल होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो भी टॉल रहेगा। तो आप ये मैंने क्या बताया कि बाहर से आपने जो देखा कि इसका हाइट टॉल है, मतलब वो फिनोटाइप है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। लेकिन अब उसका जेनेटिक मेकअप क्या है? वो कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है, ठीक है ना। तो वो उसका क्या होता है, जेनेटिक मेकअप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। तो फिनोटाइप जीनोटाइप आपको पता चल चुका होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्या देख लेते हैं? नेक्स्ट हम लोग चलिए ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि मतलब क्या होता है, अलील्स क्या है, जीन क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। अब एक और चीज़ देखिए, एक और चीज़ क्या होता है, होमोजाइगस और हेटरोजाइगस, होमोजाइगस और हेटरोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है,
अगर एलील की दोनों कॉपी सेम हो, अगर एलील्स की दोनों कॉपी सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। तो दोनों कॉपी सेम कब कब हो सकती हैं, इस कंडीशन में भी हो सकती हैं और इस कंडीशन में भी हो सकती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि हाइट की अगर हम बात करें तो दोनों कॉपी सेम है, यहाँ पे भी दोनों कॉपी सेम है यहाँ पे भी, तो इसको हम होमोजाइगस कहेंगे। लेकिन ये क्या है, होमो, अगर एलील्स दोनों अपर केस लेटर में है तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, और इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। होमोजाइगस क्या है, सेम कॉपी, मतलब वी कैन से कि एलील्स की दोनों कॉपी अगर सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस। अगर एलील्स की दोनों कॉपी डिफरेंट है, अगर एलील्स की दोनों कॉपी डिफरेंट है, मान लीजिए ये, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। इज इट क्लियर? वैसे टाइम कितना हुआ है एक बार आप हमें बता देंगे क्या? 1 घंटा होने वाला है, थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, पढ़ सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत? पढ़ना तो पड़ेगा एक बार, कम से कम आधे घंटे तो और पढ़ना होगा, आधे घंटे और पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए। अब हमने क्या बताया आपको कि एलील्स की दोनों कॉपी सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस, और दोनों कॉपी अगर डिफरेंट हैं तो उसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अब हम एकदम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि मेंडल ने कहाँ से शुरुआत की थी। सबसे पहले अब इतनी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं कि मतलब क्या है टर्मिनोलॉजी के बारे में, और छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई वो याद है। अब हम लोग आते हैं मेन चीज़। एक चीज़ हम लोग देखते हैं, आपको दिया होगा आपकी बुक में मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या फिर इसी को हम कह लें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसको समझते हैं। प्लीज अटेंटिव होके समझिए, एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अगर हम जो क्रॉस करा रहे हैं, अगर हम अपने क्रॉस में केवल एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं, केवल एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या फिर इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, क्रॉस इन्वॉल्विंग वन कैरेक्टर, अगर केवल एक कैरेक्टर की बात की जाए। जैसे जैसे ध्यान से समझना, प्लीज बी अटेंटिव, एकदम अच्छे से समझना। क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली वन कैरेक्टर, जैसे हमने क्या ले लिया, पी प्लांट की हाइट ले ली, मेंडल ने हाइट लिया था, ठीक है। अब हाइट केवल एक कैरेक्टर है, अब उन्होंने कहा था कि एक लंबा प्लांट को स्मॉल प्लांट से क्रॉस कराना है, मटर का एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराना है। तो टॉल और ड्वार्फ ये दो क्या है, ट्रेट हैं, लेकिन कैरेक्टर केवल एक है, कैरेक्टर केवल एक है, वो कैरेक्टर क्या है, हाइट, वो कैरेक्टर क्या है, हाइट। तो इस तरीके के क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मतलब अगर हम केवल एक कैरेक्टर को कंसीडर करें तो वो क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इज इट क्लियर? आगे चलें। अब देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में या इनहेरिटेंस ऑफ जीन में इसका रेशियो कैसे हम लोग मापते हैं, इसका रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, मेंडल ने क्या किया था, एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मटर, अब जैसे टॉल को इन्होंने क्या मान लिया, फादर मान लिया, ठीक है, फादर, या फादर का मतलब मेल कर देती हूं मैं, मेल, और ड्वार्फ को इन्होंने फीमेल मान लिया। अब दोनों का आपस में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। अब एक चीज आपको यहां पे ये बात समझ में आनी चाहिए कि मटर का पौधा बाइसेक्सुअल प्लांट है ना, बाइसेक्सुअल का मतलब उसमें मेल और फीमेल प्लॉट दोनों हैं, तो कैसे एक को मेल मान लिया एक को फीमेल मान लिया, ये कैसे पॉसिबल है। तो याद करिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, ई मैं जो
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बाईसेक्सुअल प्लांट है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो बच्चे मुझसे क्लास किए हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर कोई बाईसेक्सुअल प्लांट है, मान लीजिए कि ये कोई बाईसेक्सुअल प्लांट है, यहाँ पे मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, अब इसमें से किसी को मेल मानना है और किसी को फीमेल मानना है, मान लीजिए ये बाईसेक्सुअल प्लांट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फीमेल प्लांट जिसको फीमेल मानना है, फीमेल पेरेंट मानना है, उसमें से इस मेल को यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ईमैस्क्यूलेशन। क्या नाम देते हैं, ईमैस्क्यूलेशन, ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो अब बताइए आप मुझे कि अब हमने इसको मेल को रिमूव कर दिया बिफोर मैच्योरेशन, क्योंकि मैच्योर होगा तब तो पोलन ग्रेन उसके निकल ही जाएंगे और फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा, लेकिन इनको क्रॉस पोलिनेशन कराना था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना था, तो इन्होंने क्या किया, एक मटर का पौधा लिया जिसकी हाइट छोटी है और उसको फीमेल कैसे माना, फीमेल माना मतलब फीमेल पेरेंट कैसे माना, वहाँ से मेल को हटा दिया। अब मेल हटाने के बाद मेल प्लांट को, मेल फ्लावर को वहाँ से हटा दिया और दूसरे बाईसेक्सुअल प्लांट से इस मेल फ्लावर से पोलन कलेक्ट किया। आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, जब मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगी ना तो डायग्राम के साथ पूरा एनसीईआरटी ही यहाँ पे रीड कराऊंगी। पोलन कलेक्ट किया और इसके फीमेल प्लांट पे डाल दिया, फीमेल फ्लावर पे डाल दिया, इसको हम लोग डस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, डस्टिंग कहते हैं। फिर बैगिंग, बैगिंग रीबैग, सॉरी रीबैगिंग, ये सब तो हमने पढ़ाया हुआ है। तो बताइए कि अब समझ में आ चुकी होगी ये बात कि कैसे किसी बाईसेक्सुअल प्लांट से किसी एक को मेल कैसे माने और किसी को फीमेल कैसे माने, ये बात समझ में आ गई। जिसको फीमेल मानना होता है, मतलब फीमेल मानने का मतलब वहाँ से हमें सीड लेना पड़ेगा, ठीक है, और जिसको मेल मानना है वहाँ से हमें पोलन कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो फीमेल माना है उससे मेल को हटा दिया और जो दूसरा जिसको मेल मान रहे हैं उससे पोलन ग्रेन लिया और उस पर फीमेल वाले पे डस्ट कर दिया। तो इस तरीके से मेंडल ने क्या किया, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये ध्यान से देखिए। इन्होंने एक टॉल प्लांट को मेल मान लिया, ड्वार्फ प्लांट को फीमेल मान लिया, यहाँ से पॉलन इसके ऊपर डाल दिया, फर्टिलाइजेशन कराया और फिर क्या हुआ, जो सीड बने, सीड को इन्होंने ग्रो कराया और सीड ग्रो कराने के बाद इन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में इनको सारे के सारे टॉल प्लांट ही मिल रहे हैं, सारे के सारे टॉल प्लांट मिल रहे हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट F1 जनरेशन, क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। अगर फादर, इसको क्या कहते हैं, पेरेंट जनरेशन, पेरेंट जनरेशन का मतलब जहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं उसको पेरेंट जनरेशन कहेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, F1। F1 का मतलब होता है फिलियल, फर्स्ट फिलियल, फर्स्ट फिलियल, फिलियल का मतलब होता है संतान या संतत, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ओके। अब ये चीज़ हो गई तो क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन आया यहाँ पे, ये इन्हें नहीं पता था कि ये कॉम्बिनेशन आया, लेकिन कॉम्बिनेशन तो यही आएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ से प्लांट टॉल है तो इसके गैमीट कैसे बनेंगे, इसमें जो गैमीट बनेगा उसमें एक ही फैक्टर जाता है क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इसके गैमीट में स्मॉल टी जाएगा, है ना, गैमीट में तो केवल एक ही कॉपी जाती है एलील की, ये हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस किसी भी जीन की जो पेयर ऑफ एलील होते हैं उसमें से केवल एक ही कॉपी जाती है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे कैपिटल टी आया और यहाँ पे स्मॉल टी आया, ये मेल गैमिट है मान लीजिए, ये फीमेल गैमिट है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो F1 जनरेशन में ये आया। अब इस F1 जनरेशन की आपने सुना होगा सेल्फिंग करवा दी इन्होंने, सेल्फिंग, जो पहली जनरेशन में जो जितने भी प्लांट मिले उसको उन्होंने ग्रो कराया तो क्या हुआ, वो टॉल प्लांट है। अब उसकी उन्होंने क्या करा दी, आपस में ही सबको क्रॉस कराया, सारे टॉल को, मतलब टॉल को टॉल से ही क्रॉस कराया, टॉल को टॉल से ही क्रॉस करवाया। तो देखिए क्या होता है, ये टॉल है, ओके, अब जैसे ढेर सारे प्लांट उनको मिले होंगे तो उनको आपस में ही क्रॉस कराना स्टार्ट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग के बाद आया F2 जनरेशन। तो देखिए अगर इस प्लांट को, इस जीनोटाइप वाले प्लांट को सेम जीनोटाइप वाले प्लांट से क्रॉस कराओगे तो एक को मेल मानना पड़ेगा और एक को फीमेल मानना पड़ेगा, तो ये क्या है, मेल है, एक फीमेल है। तो अब देखो मेल में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे और फीमेल में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए जरा, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। ठीक है, तो देखिए अब आपस में इनकी सेल्फिंग कराएंगे, तो एक को मेल माना एक को फीमेल माना, इस तरीके से सेल्फिंग कराए। अब मेल में दो टाइप के गैमेट बनेंगे, देखिए दोनों डिफरेंट है ना। अभी मैं गैमेट कैसे बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, गैमेट किस तरीके से फॉर्म होते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे गैमेट बनता है, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, ये कैसे निकालना। तो याद रखना यहाँ पे देखो दो टाइप के गैमेट, मेल में दो टाइप के गैमेट बने, फीमेल में दो टाइप के गैमेट बने, फिर आपस में इनकी सेल्फिंग हुई, क्रॉस हुआ, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये जरा देखना। ये मान लो मेल वाला है, ये फीमेल वाला, तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, यही कॉम्बिनेशन है। इस जनरेशन को क्या कहते हैं, एफ टू जनरेशन। क्या कहते हैं, एफ टू जनरेशन। एफ वन जनरेशन की सेल्फिंग के बाद क्या मिला, एफ टू जनरेशन। अब जरा आप मुझे बताना कि एफ टू जनरेशन में क्या आया, एफ टू जनरेशन में क्या आया ये बताएंगे आप हमें। एफ टू जनरेशन में देखिए, सॉरी, हमें चार कॉम्बिनेशन मिले हुए हैं, एक दो, ये कैपिटल टी है, एक दो तीन और चार। बताइए कितने टॉल प्लांट हैं, ये तीन टॉल है ना, और एक ड्वार्फ है, मतलब बाहर से देखने में तीन बड़ा प्लांट है, लंबा प्लांट है और एक ड्वार्फ। तो बताइए फिनोटाइपिक रेशियो इसका क्या है, फिनोटाइपिक, फिनोटाइप मैंने बताया था एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है, 3:1 है, कोई डाउट, क्योंकि फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ओके। लेकिन आप मुझे बताना कि इसका जीनोटाइप रेशियो क्या है, इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप का मतलब ये हो गया कि एक, देखिए जेनेटिक मेकअप में हम देखेंगे तो एक एक जैसा है, एक एक जैसा है, लेकिन दो एक जैसे है ना, तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो कितना है, 1:2:1, 1:2:1, इज इट क्लियर। तो मोनो, अब आपसे सवाल क्या पूछता है भाई कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है, क्योंकि मैंने बताया था जीनोटाइपिक रेशियो में हम लोग जेनेटिक मेकअप देखेंगे और फिनोटाइपिक रेशियो में हम लोग एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे, बाहर की चीजें देखेंगे। तो बाहर से देखने में तीन बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा ये हमें पता है, हमें क्या पता है कि उसका जेनेटिक मेकअप 1:2:1 है, ओके। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई है। अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है तो हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं दो दो तीन चीजें और आपको यहाँ पे समझना है। एक चीज है टेस्ट क्रॉस और दूसरी चीज है बैक क्रॉस। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, वैसे क्रॉस तो बहुत सारे हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, बहुत सारे, लेकिन अभी हमें बस टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पढ़ना है, हमारे सिलेबस में हमको बस टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पढ़ना है। तो जरा देखिए यहाँ पे टेस्ट क्रॉस क्या होता है और फिर बैक क्रॉस क्या होता है। अब आप कभी कभी पता है बुक में सीधे सीधे क्या दिया रहता है, F1 जनरेशन को अगर किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा दिया जाए तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ऐसा आपको ऐसे नहीं समझना है, आपको कैसे समझना है टेस्ट क्रॉस किस लिए करा जाता है, समझना जरा, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ, टू डिटरमाइन अननोन जीनोटाइप, अननोन जीनोटाइप। यहां पे एक मिनट, कैसे क्या हो गया है भाई, एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। टू डिटरमाइन क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, देखिए टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, टू डिटरमाइन अननोन जीनोटाइप,
अब प्लीज आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। टेस्ट क्रॉस कराया जाता है कि मान लीजिए कि हमें हमारे पास दो प्लांट, ठीक है ना, ये है, ये मान लीजिए कोई एक टॉल प्लांट है, मटर का पौधा है, टॉल प्लांट, समझना जरा, और ये भी टॉल प्लांट है, कोई भी चीज, बस आप समझना इसको। हमें देखने पे बाहर से तो पता चल रहा है कि ये टॉल प्लांट है, हम बाहर से समझ रहे हैं कि ये टॉल प्लांट है, लेकिन हमें नहीं पता है कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, ये वाला है या ये वाला है। बात समझने की कोशिश करना, ये कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, हमें नहीं पता है कि ये किस तरीके का इसका जेनेटिक मेकअप है। इसी को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। अननोन जीनोटाइप, मतलब जीनोटाइप इसका क्या होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराते हैं। अब कैसे कराते हैं इसको जरा ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना, अननोन जीनोटाइप को किस तरीके से टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पता है बहुत सारी चीजें ना, अब प्लीज इसको समझना, मेंडल ने क्या किया था, प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझना। इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है, एक टॉल प्लांट, प्लीज एकदम अच्छे से अटेंटिव होगी, ये मैं बस लिख रही हूं टॉल, और एक इन्होंने ड्वार्फ प्लांट ले लिया, एक क्या ले लिया, ड्वार्फ प्लांट, तो ये क्या लिख दिया मैंने, ड्वार्फ। अच्छा एक बात बताओ, ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप तो हमेशा से पता है हमें, उसे बताने की तो जरूरत नहीं, ये जब भी होगा स्मॉल टी होगा, तो ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप तो हमें पता ही है, हमें ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप पता है, लेकिन इसका जीनोटाइप नहीं पता है। अगर मुझे इस पौधे को देख के बताना हो कि ये वाला है डोमिनेंट प्योर टॉल है कि हेटरोजाइगस टॉल है, तो इसी को पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराते हैं। कैसे कराते हैं जरा समझ, इसका इन्होंने आपस में क्रॉस करा दिया, क्या कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद अब क्रॉस कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ पे दो क्रॉस पॉसिबल हो सकता है, एक कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी होगा, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी होगा, यही होगा ना, क्रॉस इस तरीके से होगा, दो जीनोटाइप है। अब एक बात बताओ, अगर इसको हमने क्रॉस कराया तो हमें सारे के सारे प्लांट तो यही मिलने ना, 100% टॉल, 100% टॉल, कैसे होगा, ये तो पता है आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ऐसे क्रॉस करा दो आप, सब में क्या आएगा, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, यही आएगा, है तो 100% टॉल ना ये। अब क्या होगा, ये 100% टॉल होगा, लेकिन अगर हम इसको क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो आएगा टी स्मॉल टी, एक और आएगा टी स्मॉल टी, एक आएगा स्मॉल टी, एक आएगा, ये मतलब 50% टॉल आएगा और 50% ड्वार्फ आएगा। तो कैसे पता चला, मेंडल ने क्या कराया होगा, इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया जिसका जीनोटाइप इनको पता नहीं है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको ड्वार्फ से क्रॉस करा के जब सीड फिर से उगाया तो उनको सारे पौधे लंबे मिले होंगे, तब इन्होंने कहा पक्का है कि ये कैपिटल टी वाला है ना, तो ये वाला होगा। ये अगर 100% टॉल प्लांट आ गए मतलब जीनोटाइप ये वाला है, लेकिन इन्होंने क्या कराया होगा, क्रॉस कराने में सीड बना, सीड को उगाया और उसमें से 50% इनको टॉल दिखा, 50% छोटे पौधे दिखे, तो इनको पता चल गया कि पक्का जीनोटाइप कौन सा होगा, ये हुआ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का मतलब क्या है। टेस्ट क्रॉस का मतलब यही, अभी बैक क्रॉस मैंने नहीं बताया, अब आपको बताइए यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से मैं समझा देती हूँ। आपके बुक में लिखा रहता है कि जब कभी प्योर टॉल या फिर प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव का क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पे क्या मिलता है, हेटरोजाइगस मिलता है F1 जनरेशन में। अब कहीं कहीं सीधे सीधे ये लिखा रहता है कि F1 जनरेशन का क्रॉस अगर रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो इसको टेस्ट क्रॉस करते हैं। ये बहुत बचपन वाला डेफिनेशन है जो बुक में दिया रहता है, हम ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी, लेकिन ये बस जानते रहिए, F1 जनरेशन का क्रॉस अगर रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और फिर आपसे कहता है कि इसका रेशियो बताओ, तो आपको पता चल गया कि इसका रेशियो कितना होता है, 50% टॉल 50% ड्वार्फ, मतलब 1:1।
तो आपसे पूछता है कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो बताओ, तो आप बता देना 1:1, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानती, ये कोई एक वैलिड डेफिनेशन नहीं है, बस आप जानते रहिए उसको, ठीक है। अब टेस्ट क्रॉस आपको समझ में आ गया होगा, टेस्ट क्रॉस का रेशियो आपको पता होना चाहिए, इसका रेशियो क्या है 1:1। टेस्ट क्रॉस किस लिए कराते हैं? अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए, अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए। और उसमें हम लोग जो अपना क्या यूज़ करते हैं, हमेशा ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं, क्योंकि ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप हमें पहले से पता होता है, उसका जीनोटाइप चेंज नहीं होने जा रहा है, जो टॉल है उसका जीनोटाइप चेंज हो सकता है, वो कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। आगे चलें, अब एक बार अब देखें यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हम यहीं पर डिस्कस कर देना है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होता है? अब बैक क्रॉस में क्या कहते हैं, यही सेम चीज़ इसको देखना जरा ध्यान से। बैक क्रॉस कहते हैं कि अगर F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा दे, किसी भी पेरेंट से करा दे, चाहे तो डोमिनेंट से करा दे या रिसेसिव, बैक मतलब पीछे जाना, तो इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात आपको ये समझना है कि अगर हम F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा देंगे, पीछे जाएंगे ना, तो उसको हम बैक क्रॉस कहेंगे। तो एक चीज़ आपको यहाँ से ये समझनी होगी कि अगर मैं टेस्ट क्रॉस का डिफिनीशन ये वाला लूँ कि टेस्ट क्रॉस मैंने क्या बताया, एफ वन जनरेशन को रेसेसिव से करा दिया, किससे? रेसेसिव से, तो इसको हमने कह दिया ये टेस्ट क्रॉस है। ये क्या है? टेस्ट क्रॉस। और एफ वन जनरेशन को हम किसी से भी करा दें, ईदर ऑफ पेरेंट, ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया, मतलब डोमिनेंट से भी करा दें, रेसेसिव, इसको हमने क्या कह दिया, बैक क्रॉस। तो यहाँ से एक डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए, ऑल टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस, सारे के सारे टेस्ट क्रॉस तो बैक क्रॉस है, बट ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, मतलब ऑल टेस्ट, यहाँ से एक चीज समझना, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, और इसका उल्टा क्या होगा, ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, बस इतना आप लोग मुझे कंफर्म कर देना कि आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी के, वीडियो फर्स्ट तो नहीं रही है, चीज़ें एकदम सी जैसा, वीडियो फर्स्ट तो नहीं रही है ना, एक बार क्लियर कर देना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बफरिंग टाइप से दिख रही है। ओके तो चलिए देखिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, टेस्ट क्रॉस बैक। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आपने कभी सोचा है कि बैक क्रॉस कराने की ज़रूरत क्यों होती है, बैक क्रॉस क्यों कराया जाता है, आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, कि बैक क्रॉस क्यों कराते हैं, आप खुद ही सोचना है इस बात को। जैसे मान लो कि हमने ये कराया, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट है और हमें मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम चाहते हैं कि हमारे अगले जनरेशन में, हमारे, मेरी बात को बहुत अटेंटिव होके सुनना, हम चाहते हैं कि इसकी सेल्फिंग ना कराएं, क्योंकि अगर हम सेल्फिंग कराएंगे तो आपको पता है क्या होगा, 3:1 का रेशियो आ जाएगा, 3:1 का रेशियो, मतलब 3 टॉल होगा और 1 ड्वार्फ होगा, यही आएगा ना। हम चाहते हैं कि भैया हमको ड्वार्फ प्लांट नहीं चाहिए, हमें किसी भी कंडीशन में ड्वार्फ प्लांट चाहिए ही नहीं, तो हम उसको सेल्फिंग ना करा के क्या करेंगे, आपको बहुत प्लीज कंसंट्रेट होकर सुनना, हम उसको सेल्फिंग नहीं कराएंगे, हम पीछे चले जाएंगे, हम उसके इस पेरेंट से, इससे क्रॉस करा देंगे, इससे क्रॉस करा देंगे उसके पेरेंट से, और हमेशा डोमिनेंट पेरेंट से कराएंगे, क्योंकि अगर हमें ड्वार्फ या रेसेसिव कैरेक्टर नहीं चाहिए, तो अगर हमने इससे क्रॉस करा दिया डोमिनेंट वाले से, तो 100% टॉल ही आएगा, क्या आएगा, टॉल। देख लो कहीं पे इसमें स्मॉल टी तो है, तो कहीं पे भी स्मॉल टी नहीं आएगा, 100% डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा। तो हमने क्या किया, हमने अपनी ब्रीड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, ब्रीड की क्वालिटी इम्प्रूव किया। तो बैक क्रॉस क्यों कराते हैं, बैक क्रॉस कराते हैं अपने ब्रीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास रेसेसिव कैरेक्टर ना आए, तो हम वापस पीछे चले जाएंगे इन द सेंस कि यहाँ पे हम इसको डोमिनेंट से करा देंगे। हालांकि बैक क्रॉस में किसी भी पेरेंट से कराया जा सकता है ना, लेकिन हमें रेसेसिव नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ब्रीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए
टर्म। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस दोनों चीज समझ में आ गए आपको, आगे मूव करें। ठीक है चलिए ओके, तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। टेस्ट क्रॉस हो गया, बैक क्रॉस हो गया, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। और प्लीज मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ गया है, टेस्ट क्रॉस आ गया, बैक क्रॉस आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोर तो नहीं हो रहे ना, पढ़ सकते हैं? थोड़ा सा और पढ़ते हैं ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइए अब हम लोग देखते हैं मेंडल के लॉ। मेंडल के लॉ, तो मेंडल के लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? मेंडल्स लॉ को एक नाम दिया जाता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, कि टाइप ऑफ गैमीट कैसे निकाल जाता है। गैमीट, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि गैमीट, कितने टाइप का गैमीट बनेगा, तो जरा ध्यान से देखना इसको। टाइप ऑफ गैमीट कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से सवाल पूछे जाते थे, आपको पता अभी भी होना चाहिए, तो एक बार देखिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टाइप ऑफ गैमीट इज इक्वल टू 2 to the power n। 2 to the power n का मतलब वेयर n इज नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट्स, n इज द नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट। हेटरोजाइगोट हमने अभी आपको बताया था, क्या हुआ, लग रहा है आप लोग बोर हो रहे हैं, भागे जा रहे हैं आप लोग, जेनेटिक्स पढ़ना सबको था। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट, अब जैसे मैंने एक आपको जीनोटाइप दे दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो जरा जल्दी बताना। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 to the power 1 कर देंगे। 1 कहाँ से आया, नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट, हेटरोजाइगोट तो एक ही है ना। हेटरोजाइगोट क्या बताया था, अगर जो पेयर ऑफ एलील दोनों डिफरेंट हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हेटरोजाइगोट। तो यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 2, और 2 कैसे बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यही है ना, दो तरीके के गैमेट बनेंगे। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए, वीडियो रुकी तो नहीं है। अब चलिए देखिए, अगर मैं आपको कहूं जल्दी से, देखिए बताइए यहां पे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, प्लीज फास्ट, प्लीज फास्ट बताइए मुझे। मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ पढ़ भी रहे हो या नहीं, आप लोग कुछ पढ़ भी रहे हो या नहीं। जल्दी से बताइए, मैं देख रही हूं। बताइए मुझे कैपिटल टी, कैपिटल टी में कितने तरीके के गैमेट बनेंगे, प्लीज इतना वक्त नहीं है कि आप लोग, ये वीडियो रुक रही है थोड़ा थोड़ा। चलिए देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे कोई हेटरोजाइगस है ही नहीं, यहां पे क्या है, कोई हेटरोजाइगस नहीं। अगर कोई हेटरोजाइगस नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 to the power 0, और ये हो जाएगा 1, और क्या बनेगा यहां पे, कैपिटल टी बनेगा। चलिए अच्छा, मैं आपको कुछ और जीनोटाइप दे रही हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, यहां पे बनेंगे, देखिए यहां पे दो हेटरोजाइगोट हैं, तो यहाँ पे 2 to the power 2 कर देंगे तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 4। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऐसे लिख दूँ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो बताइए मुझे यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो यहाँ पे केवल एक ही हेटरोजाइगोट है, तो 2 to the power 1, तो यहाँ पे दो ही टाइप का गैमेट बनेगा, है ना। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब बताइए यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 3 हेटरोजाइगोट है यहाँ पे, 3 हेटरोजाइगोट हैं, 2 to the power 3, यहाँ पे 8 टाइप के गैमेट बनेंगे, यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 8 टाइप के गैमेट बनेंगे, इज इट ओके। अब देखिए अगर मैं यहीं पे लिख दूँ कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई,
अब आपको बताना है मुझे कि यहाँ पे कितने टाइप का गैमेट बनेगा, जल्दी से बताएंगे आप मुझे, जल्दी से बताएंगे। ये वाला मुझे इस वाले का पता करना है। आप 2, 4, 8 पहले वाला छोड़ दीजिए, कोई पहले वाला आंसर नहीं देगा क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाएगा। मुझे इस वाले का आंसर पता होना चाहिए, ये वाले गैमेट में कितने, इस वाले जीनोटाइप में कितने टाइप का गैमेट बनेगा। प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बताइए। 8 दीपक, आप किसका बता रहे हो मुझे नहीं पता। अब से जो कमेंट करेगा इस वाले का गैमेट बताएगा मुझे जल्दी से। प्रतिभा 1, दिव्या 4, जल्दी बताइए भाई। 1, 4, 5, 6 क्या है? दिव्या 2, कहाँ से 2 आएगा? होश में हो या नींद आ रही है ये बताओ। विष्णु 1, दीपक 3, प्रतिभा 2। पढ़ाना लिखाना बेकार हो गया तुमसे। अम्बरीश बताओगे? अम्बरीश कहाँ गए, सो गए भाई? वन, इसमें कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई हेटरोजाइगस नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 टाइप ऑफ गैमेट ही आएगा। तो 2 to the power 0 कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हम देख लेते हैं कि गैमेट बनाते कैसे, हम इसको भी देख लेते हैं कि गैमेट बनता कैसे, है ना। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला जीनोटाइप दे दिया गया। अब ये यहाँ पे हमें बताया कि ये 4 टाइप का गैमेट बन रहा है ना, 4 टाइप के गैमेट बन रहे हैं, है ना। यहाँ पे तो कैसे बनाएंगे हम, देखो एकदम प्लीज अटेंटिव होके देखना। एक होगा ये, इसको उठाएंगे पहले हम, एक बार कैपिटल टी लिख देंगे, एक बार स्मॉल टी लिख देंगे, ओके। फिर उसके बाद इसमें हम क्रॉस कराएंगे, ये उठाएंगे हम लोग, एक बार हम क्रॉस कराएंगे इसको कैपिटल आर से, एक बार स्मॉल आर से। सेम यहाँ पे भी कर देंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर से। तो हमारे पास क्या बन गया, एक गैमेट बन गया टी आर, दूसरा गैमेट बन गया टी आर, तीसरा गैमेट स्मॉल टी आर, और चौथा गैमेट हमारा बन गया टी आर। ओके, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें यही बनाना हो गया, ये वाला देखिए, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हम यहाँ से उठाएंगे कैपिटल टी, तो हम दोनों तरफ कैपिटल टी लिख देंगे, तो मतलब तो हमारा एक ही होने जा रहा है ना। फिर एक बार इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर का कराएंगे, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर सुविधा के लिए लिख रही हूँ, लेकिन जो ये आएगा वो ये आएगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी आर कैपिटल टी स्मॉल आर, सेम वही भी आएगा कैपिटल टी आर कैपिटल टी स्मॉल आर। तो हमें दो ही टाइप की गैमेट मिले ना, दो ही टाइप। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये दो टाइप का गैमेट, कितने टाइप का गैमेट है? दो टाइप का। इज इट क्लियर? नहीं, नेट स्लो है, बस अभी सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चीज़ें सही आएंगी आपको, आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक आखिरी चीज़ देख लेते हैं हम लोग, कि अगर मान लीजिए आपको तीन टाइप का जीनोटाइप कॉम्बिनेशन दिया है, जैसे ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमने कहा कि यहाँ पे 3 हेटरोजाइगोट है, तो 2 to the power 3, तो यहाँ पे 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। कैसे बनेंगे इसको हम निकाल लें, तो देखिए आपको करना क्या है, इसको दोनों को ले लीजिए, एक बार कैपिटल टी लिख दीजिए यहाँ पे, और नीचे स्मॉल टी लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें क्रॉस कराएंगे एक बार कैपिटल आर का, एक बार स्मॉल आर का। सेम यहाँ पे भी करेंगे, एक बार कैपिटल आर, एक बार स्मॉल आर। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये वाला उठाएंगे, इसमें एक बार कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें भी आप कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ऐसे क्रॉस कराएंगे। ओके, अब देखना जरा,
अब क्या निकल जाएगा यहाँ पे, देखो टी आर वाई, टी आर वाई, टी आर स्मॉल वाई, टी आर स्मॉल वाई, फिर टी आर कैपिटल वाई, टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ देख लेते हैं स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे आप क्रॉस कराते जाएंगे। तो कभी कभी आपसे ऐसे दे देता है ना कि जीनोटाइप दे दिया और उसके बाद पूछा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इससे आगे अगर आपको जाना हो, एक बार इसको देख लीजिएगा, इससे आगे अगर आपको जाना हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और ऐड कर दूँ, एक और ऐड मैं कर दूँ, सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू ऐड कर दिया। जितना बढ़ाते जाएंगे आप, जितना बढ़ाते जाएंगे इस वाले में आप उतना ही बढ़ाते, वाई में आप एक बार कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू कर देंगे, स्मॉल वाई में एक बार आप कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, तो ऐसे ऐसे आप जोड़ेंगे, कैपिटल टी आर वाई कैपिटल डब्लू कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल डब्लू, फिर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, ऐसे ऐसे सब में करेंगे आप, जितना ज़्यादा जीनो टाइप। अब इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, एक हेटरो जाएगा, दो तीन चार, टू टू फोर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 टाइप के गैमेट बन जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे रब कर दे रही हूँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल वाई होगा स्मॉल वाई, तो ऐसे ही आप बढ़ाते जाएंगे, ऐसी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, मेरे ख्याल से आज का सेशन मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आप जो है कोई भी डाउट है तो अब आप मुझे बताएंगे, पूछेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए ज़रा। कोई प्रॉब्लम, खाना खा के बैठा करो, ठीक है, खाना तो वैसे मैं भी नहीं खाई थी। मैं तो खा नहीं सकती यहाँ पे, आप लोग एक प्लेट में खाना लो और बैठ जाओ। मूवी वाला सीन हो जाएगा, चाय वाय ले लो, पॉपकॉर्न ले लो, बैठ जाओ, क्या करना है, कोई मेहनत तो करनी नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो फिर एक घंटे बाद भूल जाओगे। नहीं अम्बरीश, ब्लड ग्रुप को प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, आज के लिए बस करती हूँ, ठीक है। आज का सेशन मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, प्लीज पढ़ते रहिएगा आप लोग, कल इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा आप लोग मुझे एक बात और बता दो, 9 बजे ज़्यादा लेट हो जा रहा है तो बताओ, मैं और पहले कर दूँ, लेकिन और पहले मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, और पहले मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, अगर 9 बजे कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बताइए। नहीं तो फिर मैं एंड करती हूँ, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है मैम, तो बाद में देखना इसको क्या कर सकते हैं, अभी समझ में आएगा, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो अगर तो दिक्कत आएगी, बाद में समझ में आएगा, ठीक है।
एक बार इसको आप बाद में देखो, जब ये लोड उस पर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो एक बार बाद में देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गुड नाइट। ओके। हाँ, सिकिल सेल एनीमिया ले सकते हैं, सिकिल सेल एनीमिया ले सकते हैं दिव्या, वो मैं कल बताऊंगी। अब जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी कल बताऊंगी, अभी जितनी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई है ना, अगर समझ में आ गई है तो मैं स्टॉप करूँ, ठीक है? एक बार यस कर दीजिए, नो कर दीजिए, जो भी करना है, ताकि मुझे लगे कि आप लोग भूख तो वैसे भी भुक्कड़ हो आप लोग, है ना, नींद आने लगती है, भूख लग जाती है, वो तो आप लोगों को क्या कहते हैं, बचपन की हैबिट, कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, और अभी मैं ये सेशन स्टॉप करती हूँ। कोई डाउट होगा तो आप लोग कल पूछ लीजिएगा, अभी आज काफ़ी लेट हो चुका है।